आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 ML अग्रवाल मैथ्स क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। 11 है हमारा, व्हाट सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट टू ₹2,7,803 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अब यहां पर हमें जो है वो फिर सम निकालना है, यानी पी हमें निकालना है। अमाउंट जो है वो हमें फिर 7,803 दिया हुआ है, रेट हमें जो है वो 4% दिया हुआ है और टाइम हमें 1 ईयर दिया हुआ है, ठीक है ना। और 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली का मतलब हाफ ईयरली दिया हुआ है, तो हाफ ईयरली में हम रेट को आधा कर देते हैं, 4/2 करेंगे तो 2% आएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर 2% रेट हो जाएगा 4 की जगह पर। ये चीजें हमारे को दी हुई है और प्रिंसिपल हमें निकालना है, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + R/100 to the power n। अमाउंट की जगह पर 7,803, पी की जगह पर पी 1 + रेट की जगह पर 4/2 करके 2%, सेमी एनुअली है या हाफ ईयरली है इसलिए, और n की जगह पर क्या आएगा, ये जो 1 ईयर है ये हाफ ईयरली में मिला के कितने टर्म हो जाएंगे, 2 टर्म, क्योंकि एक साल के अंदर 2 हाफ ईयरली होते हैं, तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म जो है वो 2 ले लेंगे, ठीक है। रेट को आधा कर देंगे, टाइम को डबल कर देंगे, ठीक है। 1 ईयर का 2 टर्म हो जाएगा, क्योंकि हाफ ईयरली 2 होते हैं उसके अंदर, तो ये आ जाएगा हमारा। अब ये हो जाएगा 7,803 इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई अपॉन 1 करेंगे तो 102/100 इंटू 102/100, ये हो जाएगा 51/50 2 से काट के, तो ये हो गया 7,803 इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई 51/50 इंटू 51/50, ठीक है। अब अगर हम जो है वो देखें तो यहां पर 1 लगा देंगे और यहां पर 1 लगा देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर P मल्टीप्लाइड बाई 51 इंटू 51 इक्वल टू 7,803 इंटू 50 इंटू 50। अब P की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि P को जो है वो यहां पे ले आएंगे और अपॉन जो है वो 51 इंटू 51 कर देंगे, ठीक है ना, ट्रांसपोज करके। अब इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा समझे, वो हमारा प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा, तो हमारा इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आंसर आएगा, 7,500 रुपीज, ठीक है। तो ये 7,500 रुपीज जो है वो प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा 7,500 रुपए, ठीक है, जो कि अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा 7,803 में, अगर उसे हम हाफ ईयरली एक साल के लिए सेमी एनुअली पर 4% पर देंगे या इन्वेस्ट करेंगे, तो 7,500 रुपीज इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 11। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, थैंक यू।